हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आई होप सब लोग स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई आप लोग कर रहे होंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग जो है एक नया टॉपिक लेंगे और आज जो है महासंगम का लास्ट रहेगा, किसमें? इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, इसमें आज हम जो हमारा स्पेशल टॉपिक है वो कौन सा है? वो आपका आज का स्पेशल टॉपिक है कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। उसमें कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे, कौन कौन से न्यूमेरिकल बनेंगे, वो थोड़ा उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तीन टाइप का होता है, पीछे पढ़ चुके हैं। कौन कौन सा है? पहला है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा क्या है? सुपरफिशियल और सरफेस का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और तीसरा क्या है? तीसरा हमारा है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखो, जो न्यूमेरिकल आते हैं, क्वेश्चन आते हैं न्यूमेरिकल बोर्ड में या जो कंपटीशन में टिल टू जेई मेंस, ठीक है ना, जेई मेंस हो गया या मेडिकल हो गया या बोर्ड हो गया, तो उसमें जो न्यूमेरिकल आते हैं कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के, वो आते हैं स्पेशली लीनियर के लिए। जैसे मान ली कोई वायर हो गया, वायर पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, उस वायर से किसी पॉइंट पर फील्ड निकालना है। ठीक है, अब अगर फील्ड निकालना हमको है तो वहां पे क्या आएगा? अब चाहे वायर क्या इनफाइनाइट लेंथ हो जाए, चाहे वायर क्या फाइनाइट लेंथ हो जाए, वायर के क्या, जैसे मान लिया वायर है फाइनाइट लेंथ है, इसके किसी एक पॉइंट से निकालना है, किसी एक एंड में निकालना फील्ड निकालना है। ठीक है, या उसी वायर को क्या कर दिया, सर्कुलर रिंग बना दिया जाए पूरा चार्ज करके, फिर क्या करें उसके सेंटर फील्ड निकालें या फोर्स निकालें, उसके एक्सिस पर फोर्स निकालें। ठीक है, या उसी रिंग को आधा कर दिया जाए, क्या हो जाएगा, सेमी सर्कुलर रिंग अगर बन जाए तो चार्ज सेमी सर्कुलर रिंग से क्या हो गया, उसके सेंटर पर या किसी पॉइंट पे कितना आपका इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, या फिर क्या हो गया, अगर मान लिए चार्ज सर्कुलर आर्क है, ठीक है, उस आर्क के सेंटर पर या किसी पॉइंट पर क्या निकालना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है। और जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, अगर वहां आप कोई चार्ज पार्टिकल रखेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू क्यू ई अर्थात क्या निकल जाएगा, तो आपका वहां पर इलेक्ट्रिक फोर्स निकल जाएगा। तो आज हम लोग इसी पर डिस्कस करेंगे और अभी अब इस पर दो तीन फार्मूले हैं, और उस पर अगर ट्रिक आपको सारी पता है तो उस कंडीशन पे चाहे कैसा क्वेश्चन आएगा आप क्वेश्चन आराम से कर लेंगे, बसते हाँ क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो आज हम चलते हैं भाई, पहले थोड़ा एक बार रिवाइज हल्का रिवाइज कर लेते हैं, या फार्मूला आपको याद होगा या नहीं याद होगा, अगर फिर से नोट कर लेते हैं। कौन फार्मूले? जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से हम क्या निकालते थे, फोर्स, दूसरा क्या निकालते थे, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से निकालते थे इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, पहला माना क्या है, यहां लोग आज जो फॉर्म पढ़ रहे हैं, यहां देखिए हम लोग कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इस पर होगा क्या है, इस पर होगा हम लोगों के सवाल होंगे आज। ठीक है ना, इसमें दो टाइप क्वेश्चन मिलेंगे, एक होगा इलेक्ट्रिक फोर्स का, एक होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, दोनों फॉर्मूले सेम है, अंतर क्या है, इन केस ऑफ फोर्स में आपके चार्ज कितने होंगे, क्यू वन क्यू टू दो चार्ज होते हैं, और इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में केवल सिंगल चार्ज होता है, उससे क्या निकालते हैं, चार्ज से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग फाइंड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ जैसे पहले क्या बात करते हैं, किसका अगर बात करते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, वायर हमारा तिरछा है, टेढ़ा मेढ़ा वायर है, ये नहीं जरूरी कि वायर हमारा स्ट्रेट रहे, इसे देखो इसे बनाते थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा वायर है, तो यहाँ क्या हो गया, ये हो गया आपका जो फॉर्मूला बताया था हमने, मान ली क्या हो गया, ये हो गया लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, यहाँ पर वायर हो गया, मान लीजिए एल है, चार्ज कितना है क्यू है, यहाँ लैम्डा क्या हो गया, चार्ज डेंसिटी हो जाएगी, तो कितना आएगा, क्यू बाई एल हो जाएगा, या इसी बोलते हैं डी क्यू बाई डी एल, इसे पढ़ चुके हैं, हमें क्या निकालना है, इसकी वजह से कोई पॉइंट वाले यहाँ पी है, इस पॉइंट पी पर क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फोर्स, और क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। बात सुनना भाई, डिस्टेंस का आर हो गया, यहाँ क्या मानते हैं, डी एल मानते हैं। ठीक है, अब ध्यान रखिए, फॉर्मूला बताया था आपको, अगर मान लो यहाँ क्या रखते हैं, यहाँ रखते हैं टेस्ट चार्ज क्यू जीरो, फोर्स फॉर्मूला क्या था, फोर्स फॉर्मूला था यहाँ पे क्यू जीरो अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन एल, एल क्या हो गया, इसे बोलते हैं लाइन इंटीग्रल, क्या बोलेंगे, लाइन इंटीग्रल, यहाँ आया था लेमडा इंटू आया था डी एल, लेमडा डी एल अपान नीचे क्या आया था, अपान नीचे आया था वेक्टर आर का क्यूब इंटू हो गया, याद करिए फॉर्मूला आया था,
ठीक है। ये कितना है सर, यहाँ क्यू लियो भाई, यहाँ पे क्यू देखो लिमिटा डीएल क्या है, देखिए यहाँ डी क्यू ना लिमिटा डीएल हमारा है, यहाँ निकालेंगे डी क्यू कितना हो जाएगा लिमिटा इंटू डीएल, याद आया। अब यहाँ देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा है तब क्या फॉर्मला हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है फॉर्मला हो गया इंटीग्रेशन, कितना हो गया इंटीग्रेशन, या पहले से लिख दीजिए वन अपॉन फोर पाई एफ एल एन नॉट इंटू कितना हो गया लाइन इंटीग्रल लेमडा डी एल अपॉन हो गया मॉड ऑफ आर का क्यूब इंटू हो गया वेक्टर आर, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या हुआ, केवल यहाँ पे क्यू जीरो हट गया, बस इतना है, ठीक है। इसलिए हो गया ये तो हो गया आपका ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड क्या था, ये पहला हो गया। सेकंड क्या, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस क्या था, सरफेस वाली कोई सरफेस रहेगा इस साइड से, कोई सरफेस रहेगा, इस पर क्या हो गया, इस पर मान लो चार्ज कितना हो गया हमारा टोटल चार्ज क्यू हो गया, चार्ज कितना क्यू और सरफेस एरिया कितनी हो गई एस, स्मॉल चार्ज कितना हो गया डी क्यू, सरफेस एरिया कितना स्मॉल डी एस, कोई स्मॉल लेते हैं इस प्रकार से, क्या निकाले थे कोई मालिक पॉइंट भी हो गया, वेक्टर क्या आर हो गया, अंतर क्या इसमें आता है, इसमें जो आएगा वो हमारा कितना हो गया यहाँ तक सिग्मा कितना था क्यू बाई एस इक्वल टू क्या आया था डी क्यू बाई डी एस, इसको हम प्रूफ कर चुके हैं पहले, यहाँ प्रूफ नहीं बता रहे हैं क्लियर थे आपको, यहाँ कितना आएगा सिग्मा, यहाँ सर यहाँ देखो डी क्यू कितना आ जाएगा सिग्मा इंटू डी एस, डी एस क्या हो गया सरफेस एरिया, स्मॉल सरफेस एरिया जो डी एस दिखाया आपने, चलिए ये कितना हो जाएगा, इसे भाई वेक्टर फॉर्म है, ठीक है, स्केलर फॉर्म में क्या वेक्टर हट जाएगा, कितना हो गया एफ हो गया क्यू जीरो अपॉन फोर पाई एफ एल एन नॉट, यहाँ देखो सरफेस इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल यहाँ हो गया सिग्मा इंटू डी एस अपॉन मॉड कितना हो गया आर क्यूब इंटू हो गया वेक्टर आर, ठीक है। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, ये हो गया वन अपॉन फोर पाई एफ एल एन नॉट, ये क्या हो गया सरफेस इंटीग्रल इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो गया सिग्मा इंटू डी एस अपॉन मॉड ऑफ आर का क्यूब इंटू कितना हो गया वेक्टर आर। अगर यहाँ देखो अगर यहाँ आर स्क्वायर करोगे तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ आर टाइप आ जाएगा, इतने अंतर था, ठीक है। ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। तीसरा क्या था हमारा, थर्ड था लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से निकालना है, सॉरी थर्ड था वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरा फॉर्मूला क्या था देखिए, थर्ड हो जाएगा हमारा, थर्ड हो जाएगा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ क्या यहाँ कोई वॉल्यूम रहेगा, देखिए कोई वॉल्यूम हो गया जैसे क्यूब ले लिया, या इसके अलावा क्या सकते हैं लोग कोई इसको कोई बॉडी ले लिया, क्यूब है या सिलेंड्रिकल है स्फेरिकल है जैसा भी है कोई बॉडी लीजिए, ये छोटी बॉडी ले लिया उसी के अंदर ले लीजिए छोटा सा वॉल्यूम हो गया, इस पर क्या होगा सब पे पूरा प्लस चार्ज है, फॉर्मूला करिए फट गई क्योंकि ये फॉर्मूले ज्यादा जरूरी है, ठीक है। यहाँ क्या कोई पॉइंट वाले क्यू है, टोटल चार्ज कितना क्यू है, सरफेस एरिया कितनी इसकी हो गई एस हो गई, ठीक है, सरफेस नहीं वॉल्यूम लेंगे वॉल्यूम भी हो गया, स्मॉल चार्ज कितना हो गया इसका डी क्यू हो जाएगा और वॉल्यूम कितना हो गया डी भी हो जाएगा, डिस्टेंस कितनी हो गई यहाँ पे आर हो गई, अब देखो फोर्स क्या होगा यहाँ निकालना फोर्स और क्या निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन क्या होगी इधर, ठीक है ना। पहले क्या निकालते हैं स्मॉल चार्ज क्या हो गया डी एफ या डी ई हो जाएगा, ठीक है, और फिर क्या निकालते हैं टोटल वही सेम जैसे यहाँ लिखा कोई एनर्जी नहीं है सेम है, ठीक है, उसी अपने रिवाइज हो गया रोई कुल्लू, क्या देखो रोई कुल्लू क्या हो जाएगा टोटल चार्ज अपॉन वॉल्यूम, इसे बोलते हैं वॉल्यूम, क्या बोलते हैं चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इन्होंने वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। ये क्या हो गया यहाँ पे, ये हो गया डी क्यू बाई हो गया डी ई हो जाएगा, यहाँ से क्या मिला डी क्यू इक्वल टू मिल जाएगा रो इंटू डी बी, फार्मूला हो गया आपका, ठीक है, क्या हो गया दिस इज द फार्मूला हो गया। अब क्या निकालेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का सर इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा भाई सेम क्यू जीरो अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, अब यहाँ देखेंगे वॉल्यूम इंटीग्रेशन क्या होता है वॉल्यूम इंटीग्रेशन, यहाँ डी क्यू कितना डी क्यू हमारा है रो इंटू डी बी है अपॉन कितना हो गया मॉड ऑफ आर का क्यूब इंटू हो गया वेक्टर आर, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में क्यू जीरो हट जाएगा बस इतने अंतर है, क्या हो गया यहाँ पे वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो गया वॉल्यूम इंटीग्रेशन रो इंटू डी बी अपॉन मॉड ऑफ आर का क्यूब इंटू कितना हो गया वेक्टर आर। ये तीन टाइप के हमारे पास हो गए, तीन टाइप के हो गए
चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं कूलम्स लॉ इन टर्म ऑफ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सेम थिंग। अगर मुझे आपको एग्जाम्पल दिया जाए कि स्टेट और राइट कूलम्स लॉ इन टर्म ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अब चाहे एक पूछे चाहे तीन पूछे, अगर दिया कूलम्स लॉ इन टर्म ऑफ वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये वाला हो गया। कूलम्स लॉ इन टर्म ऑफ सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पीछे बताया, फिर क्या है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वो भी आपका हो गया। क्लियर हुआ? अब इसमें क्वेश्चन क्या मिलेगा, जो बुक में क्वेश्चन देखेंगे मैक्सिमम क्वेश्चन 90% क्वेश्चन मिलते हैं क्या हो गए कि ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मिलते हैं। ठीक है ना, चाहे कोई लाइन होगा उसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूट रहेगा, तो उससे क्या उससे फील्ड निकालना होता है और सब निकालना होता है। ठीक है ना, क्योंकि सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मान लीजिए सरफेस हो गया, उसमें क्या हो गया लेंथ और विड्थ दोनों हो जाती है, तो वहाँ इंटीग्रेशन करते हैं, वो डबल इंटीग्रेशन करते हैं जिसमें बायो के बच्चे नहीं कर सकते हैं, उनके कोर्स में ही नहीं है। ठीक है, या अगर वॉल्यूम क्या हो गया, वॉल्यूम क्या होता है ट्रिपल इंटीग्रेशन होता है, तो डबल इंटीग्रेशन ट्रिपल इंटीग्रेशन इसको मैथ में सिखाया जाता है, हाँ मैथ वाले बच्चे कर सकते हैं, तो इसके क्वेश्चन ये एडवांस में आ सकते हैं, बाकी वो किसी में नहीं आते हैं। लेकिन हाँ, आपके लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन बोर्ड में भी, नीट में भी, जे मेंस में भी क्वेश्चन आते हैं, अब क्वेश्चन को अभ्यास करिए। ठीक है, देखिए यहाँ कोई डेरिवेशन नहीं कर रहे, किसी भी फार्मूले का डेरिवेशन नहीं कर रहे, डेरिवेशन आपको देखना है तो अगले स्लाइड में जब आगे आगे पढ़ाएंगे गॉसियस थ्योरम, तो वहाँ इन फार्मूलों का डेरिवेशन करवा देंगे। ठीक है ना, तो कैसे डेरिवेशन होता है, चलिए पहले क्या लेते हैं, पहले लेते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड। फर्स्ट लेते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स, दोनों सेम है, इलेक्ट्रिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यही मेन टॉपिक भाई आज आपका है। इसी कितने क्वेश्चन बनते हैं जान लीजिए, बस आपका जहाँ चैप्टर खत्म हो जाएगा, ये टॉपिक खत्म हो जाएगा ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो लीनियर चार्ज है तो वो क्या होता है, देखो लीनियर चार्ज तो क्या होता है, एनी वायर, कोई वायर है मान लीजिए, देखो कोई वायर है इस पार से, स्ट्रेट वायर हो गया, लेंथ क्या इसकी फाइनाइट हो गई, हमें इसे किसी पॉइंट निकालना है, लेंथ क्या होगी इसकी इनफाइनाइट हो गई। ठीक है, हमें इसके मिड पॉइंट निकालना है फील्ड, देखो चाहे अगर फिर हम बात करते हैं फील्ड की, अगर आपको फोर्स करना है, अगर इस पॉइंट फील्ड निकल गया है, मान लो यहाँ फील्ड आपको निकल गई, हमें निकालना कोई टेस्ट चार्ज या कोई चार्ज पार्टी कितना फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मालूम है एफ इक्वल टू क्या होता है, जो यहाँ चार्ज रखा जाएगा क्या करेंगे क्यू इंटू ई कर देंगे, तो इस पर फोर्स आ जाएगा। तो हमारा मेन क्या रहेगा, इसलिए हमारा मेन कंसेंट्रेशन रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड पर, अगर उस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फोर्स पूछा गया देन यू कैन फाइंड इलेक्ट्रिक फोर्स इजिली, तुरंत फाइंड कर लेंगे। ठीक है ना, इसलिए आपको डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्या बताया आपको कि कोई लाइन चार्ज मान लीजिए है, अब लाइन चार्ज है इसे कहाँ निकाला गया, आर डिस्टेंस पे मिड पॉइंट पे, या नहीं है मिड पॉइंट कहीं पे है यहाँ निकाल लिया गया, या इसके निकाला गया एंड में निकाला गया, आर डिस्टेंस में इसके एंड निकाल लिया गया, या वायर लेंथ कितनी भी इन्फिनिटी हो गई तब निकाला गया, बस इतने केस बनेगा, लेंथ इसकी इनफाइनाइट हो गई नंबर एक, दूसरा लेंथ फाइनाइट है इसके मिड पॉइंट पर, तीसरा लेंथ फाइनाइट है नहीं मिड पॉइंट नहीं कहीं और है, चौथा लेंथ क्या फाइनाइट है वो क्या होगा किसी एक एंड पर, पांचवा लेंथ इनफाइनाइट है उसके किसी एक एंड पर। अब एक चार पांच एग्जाम रहा, अगर आपको इसे क्लियर है क्वेश्चन कैसे दिया जाएगा आप उसके आंसर निकाल लेंगे। ठीक है ना, फिर देखिए उसमें दूसरा टाइप क्या बनेगा, अगर कोई सर्कुलर रिंग हो गई, क्या सर्कुलर रिंग है, इस पूरा चार्ज है, यहाँ क्या निकालना है फील्ड निकालनी है, कहाँ पर इसके एक्सिस पे, एक्सिस कोई पॉइंट हो गया फील्ड निकालिए भाई, फिर क्या एक्सिस निकाल नंबर एक, फिर फील्ड कहाँ निकालेंगे सेंटर कितना फील्ड आएगी, फिर क्या निकालेंगे फील्ड कहाँ है इन्फिनिटी कितनी आएगी, आप देखेंगे कि सर्कुलर रिंग के सेंटर फील्ड कितनी आती है जीरो, इन्फिनिटी फील्ड कितनी आएगी जीरो, एट एनी पॉइंट फील्ड कुछ आएगी पक्का आएगी, तो अगर यहाँ जीरो आ गया, यहाँ जीरो आ गया इन्फिनिटी पर, तो बीच में एक ऐसा पॉइंट जरूर होगा जहां फील्ड क्या आएगी, जहां फील्ड मैक्सिमम आएगी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस पॉइंट पर सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर इसकी एक्स पर मैग्नेटिक फील्ड सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो हम लोहा क्या लगाते हैं, लगाते हैं कंडीशन ऑफ मैक्सिमम लगाते हैं। फिर देखिए रिंग क्या हो गई, हाफ रिंग हो गई,
तो अगर हाफ रिंग है इस हाफ रिंग के सेंटर कितनी फील होगी, ठीक है, या यही क्या हो गई क्वार्टर रिंग हो गई, या यही क्या एक आर्क हो गई, तो डिफरेंट क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। ये क्या हो गई आर्क हो गई, तो उसके सेंटर पर या कहीं फील कितनी आएगी। एक और मत पूछा क्या, यही क्या हो गया सर्कुलर डिस्क हो गई भाई, सर्कुलर डिस्क हो गई तो उसका एक फॉर्मूला बनेगा, और इसी सर्कुलर डिस्क को आप इनफाइनाइट कर दीजिए, बहुत लंबी कर दीजिए, तब क्या हो जाएगा, अगर सर्कुलर डिस्क को आपने इनफाइनाइट कर दिया तो वही आपकी एक प्लेट बन जाएगी। या सोचिए भाई, अरे यही प्लेट होती ना आप जिसमें खाना खाते हैं, प्लेट क्या होती है, एक ग्लास सर्कुलर डिस्क तो है, ठीक, इसको क्या कर दें इनफाइनाइट कर दें, ठीक, तो इनफाइनाइट करने से क्या हो जाएगा डिस्क की रेडियस क्या हो जाएगी इनफाइनाइट हो जाएगी। तो उसे क्या निकालते हैं, उससे आप एक क्या हो गया किसी प्लेन शीट, क्या निकालते हैं प्लेन शीट के कारण किसी पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब फील्ड निकल गई तो उस पॉइंट पर रखेंगे टेस्ट चार्ज या कोई चार्ज रखेंगे तो उसे क्या मिल जाएगा, उससे मिल जाएगा हमको वहां पर कितना इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, ठीक है। तो डिफरेंट देखो सच देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस अराइज, ठीक है। चलो हम शुरू करते हैं, हमारा पॉइंट क्या हो गया इलेक्ट्रिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। पहला क्या है नंबर वन, पहला क्या लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को फटाफट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट ड्यू टू क्या हो गया फाइनाइट लेंथ, ड्यू टू फाइनाइट लेंथ ऑफ चार्ज वायर, या कहते हैं यूनिफॉर्मली होते होता ही है, यूनिफॉर्मली चार्ज वायर, ठीक है भाई, क्लियर हुआ। इसका यहां प्रूफ नहीं करेंगे, प्रूफ करना प्रूफ देखना नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे आगे, लेकिन यहां पर फॉर्मूला देखना, इससे क्या है या जो लोग यहां फॉर्मूला पढ़ के क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, प्रूफ नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये मैंने कोई बड़ा चार्ज वायर हो गया, चार्ज वायर हो गया, दिखा दो भाई चार्ज वायर हो गया, इस पर चार्ज दिया पॉजिटिव, यू कैन टेक नेगेटिव आल्सो, उससे क्या हो जाएगा उससे कोई डायरेक्शन चेंज होगी, बस उससे क्या कोई डायरेक्शन चेंज होगी, क्या मालूम रहेगा इस चार्ज वायर पर कुल चार्ज कितना है क्यू, इसकी लेंथ कितनी है एल, क्यों दिस इज फाइनाइट, क्या है ये फाइनाइट है भाई, लेंथ एल हो गई, ठीक है। यहां क्या दिया जाएगा लैम्डा, लैम्डा क्या होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, फॉर्मूला क्या होता है फॉर्मूला क्यू बाई एल होता है, या ये क्या होता है डी क्यू बाई कितना हो गया डी एल हो जाएगा, फॉर्मूला हो गया। यहां दो चीज आएगा, क्यू निकालना है लैम्डा एल हो जाएगा, डी क्यू निकालना है क्या हो जाएगा लैम्डा इंटू डी एल हो जाएगा, तो जहां जैसे यूज पड़े वैसे यहां पर कर लेंगे, तो दो फॉर्मूला दो चीज हो गया, हाँ देखिए इसको। चलिए अभी कोई पॉइंट लिया आर्बिट्री एनी पॉइंट, मालूम नहीं हाल एनी पॉइंट, यहां पॉइंट ले लिया, यहां पे ये पॉइंट हमारा क्या हो गया माले पॉइंट पी पर क्या निकालना है, इस पॉइंट पी पर आपको निकालना है कितनी फील्ड होगी, ठीक है। क्या निकालना है, हमें निकालना है यहां से चाहे डिस्टेंस आर मानो या डिस्टेंस क्या मानते हैं एक्स मान लेते, चलो सिंपल फॉर्मूला क्या लेते हैं एक्स मान लेते, क्यों क्योंकि फॉर्मूला लेते हैं यहाँ डी क्यू माना जाता है तो वहां आर लेते हैं ना, उस कार को सुरक्षित रखिए डेरिवेशन के लिए हम एक्स मानते हैं, ठीक है, फील्ड निकालना पॉइंट पी। अब देखिए जो फॉर्मूला बनेगा इसको यहां मिला दीजिए, इसको यहां मिला दीजिए, ठीक है, कितना एंगल बना, एंगल कितना मालूम है, ये बन गया थीटा वन, ये क्या बन गया थीटा टू, ध्यान रखिए फॉर्मूला बन रहा है, यहां चीज ध्यान रखिए यहां हमेशा की इक्वल टू क्या मानेंगे फॉर्मूले में वन अपॉन फोर बाई एप्सिलॉन नॉट, ये थोड़ा आपको आसान लगे, जिससे क्या हो थोड़ा आपको फॉर्मूला लिखने में आसानी होगी, बार बार चुनाव नहीं लिखना पड़ेगा, हम क्या लेंगे हमेशा के पर वन अपॉन फोर बाई एप्सिलॉन नॉट, वैल्यू कितनी इसकी होती है नाइन टेन पावर नाइन, ना नाइन टेन पावर नाइन न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन क्या होता है अपॉन होता है कूलम स्क्वायर, ठीक है, ठीक ही वैल्यू होती है। चलिए शुरू करें, देखिए फॉर्मूला इसका नोट करिए, ये फॉर्मूला क्या होता है, यहां फॉर्मूला आएगा इक्वल टू क्या आता है इक्वल टू आएगा के क्या हो गया के हो गया हमारा वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, ठीक है, इंटू क्या हो गया लैम्डा आएगा, अपान क्या हो जाएगा लैम्डा अपान हो जाएगा, यहाँ पे दूरी कितनी मारी है एक्स है के लैम्डा एक्स इंटू कितना हो गया यहां हो गया कितना यहाँ गया साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है भाई, यही आप कोई हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, आपको अगर ये फॉर्मूला याद है
ताकि सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इसे क्या लिख सकते हो, ये आंसर लिख सकते हो इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन क्या हो जाएगा एक्स इंटू क्या हो गया साइन थीटा 1 प्लस क्या हो गया साइन थीटा 2। ये फॉर्मूला क्या याद रखना है, इसका प्रूफ इसका है, प्रूफ किया जाता है। ठीक है, अब यहां देखो क्या क्या बनेगी इस स्पेशल केस से, फटाफट निकाल लीजिए हो जाएगा। बनाए शुरू करें केस फर्स्ट, ऊपर मिटा दे रहे हैं, डिस्कस कर लेते हैं। चलिए केस फर्स्ट, ये तो देखिए अब क्वेश्चन वाले दिया गया है, लेंथ दी जाएगी, थीटा दिया गया है, एक्स दिया गया है, कितना टूटेगा आपको इसे निकाल सकते हो, ए दिशा निकल जाएगी, ए दिशा निकल जाएगी, कहां पहले जाए उसके अनुसार क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब देखो यहाँ पे कैसे इसको सॉल्व करेंगे। हमें क्या नंबर एक केस फर्स्ट लीजिए, केस हमने फर्स्ट लिया, लेंथ कितनी इसकी हो जाए इन्फिनिटी हो जाए, माने क्या है व्हेन, क्या है व्हेन नंबर हो गया व्हेन लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर कितना हो गया इज इनफाइनाइट, इज इनफाइनाइट हो गया। ठीक है, अगर देखो अगर लेंथ इसकी इनफाइनाइट हो गई क्या चेंज आएगा, इस कंडीशन चेंज क्या आएगा देखो ध्यान से। हाँ देखिए, अगर लेंथ इसकी मान ली कितनी हो गई, अगर हमारा वायर है, अगर इसकी लेंथ कितनी हो गई, लेंथ इसकी हो गई इनफाइनाइट ना, अगर लेंथ इसकी इनफाइनाइट जा रही है इन्फिनिटी जा रही है, क्लियर हुआ। यहाँ कोई आपका पॉइंट है, इजाक कहाँ मिलेगा, इजाक कहाँ मिलेगा, ए मिलेगा, इन्फिनिटी मिलेगा ना, इन्फिनिटी कब मिलता है जब दो लाइन पैरेलल हो जाए, अर्थात एंगल कितना थीटा वन हो गया 90, थीटा टू कितना हो गया 90, यहाँ थीटा वन इक्वल टू थीटा टू 90 हो जाएगा डिग्री, इसे लोग पुट कर दीजिए इक्वल टू कितना आ गया, इक्वल टू क्या होना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन एक्स साइन 90 डिग्री प्लस क्या हो गया साइन 90 हो जाएगा। ठीक है, कितना आ गया फिर, दोनों साइन 90 हो ना, कितना आ गया फिर, यहाँ साइन 90 1/2 हो जाएगा इक्वल टू कितना आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन एक्स इंटू 2 हो जाएगा। यह फॉर्मूला बड़ा कितना हो गया, कितना हो गया, हो गया 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना लैम्डा बाई एक्स, अगर दूरी आर दिया तो आपको क्या मान सकते हैं लैम्डा बाई आर का है, उसको आर की गलत है, क्या हो गया ये हो गया फॉर्मूला हो गया फॉर इनफाइनाइट लेंथ की वायरस हो गया। ठीक है ना, क्लियर हो गया फॉर्मूला, किसके लिए निकला हमारा ये फॉर्मूला आ गया इनफिनिटी लेंथ हो गया। केस फर्स्ट नोट कर लिया होगा आई होप। सेकंड केस देखिए कि सेकंड क्या हो गया, लेंथ इनफाइनाइट तो है लेकिन क्या हो गया उसके एक एंड पे, क्या हो गया सेकंड केस हो गया केस सेकंड यहां क्या हो गया इनफाइनाइट, या हो गया एट द एट एनी एंड, क्या हो गया एट एनी एंड निकालना है, एट एनी एंड ऑफ इनफाइनाइट लेंथ ऑफ क्या हो गया चार्ज वायर, इसमें से लैम्डा दिया जाता है, लैम्डा क्या क्या दिया जाएगा लीनियर चार्ज डेंसिटी दी जाती है, क्लियर हो गया। देखो भाई लेंथ कितनी इसकी हो गई, यहाँ लिखते हैं इधर लेंथ कितनी इसकी हो गई इन्फिनिटी हो गई है ना, इन्फिनिटी हो गई, इसकी एक निकालना है एंड पे, देखो दूरी आर डिस्टेंस आर हो गई। ठीक है, अब यहाँ क्या हो गया, यहाँ पर चार्ज हो गया, क्लियर हो गया सर। अब देखिए यहां से इधर तो ठीक भाई, थीटा टू कितना हो गया, थीटा टू हमारा कितना हो गया 90 हो गया, थीटा वन यहाँ जाता है ना, थीटा यहाँ देखो थीटा वन जाए सीधे ही मिल जा रहा ना, थीटा वन कितना हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा ना, लैम्डा का डेंसिटी हो गई, फॉर्मूला क्या बन गया, फॉर्मूला हो गया इक्वल टू लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो गया एक्स इंटू हो गया साइन थीटा हो गया, थीटा वन 0 हो गया, थीटा टू कितना हो गया 90 हो गया, कितना फॉर्मूला बन गया इक्वल टू आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई कितना हो गया एक्स, क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए थर्ड केस आइए, थर्ड केस आते हैं, लेंथ फाइनाइट है, लेंथ क्या है उसकी फाइनाइट है, और क्या निकालना है थर्ड केस नंबर 3 केस थर्ड लिखो भाई, केस थर्ड क्या हो गया, केस थर्ड में लेंथ क्या है फाइनाइट है और हमें निकालना है वायर के मिड पॉइंट पे। ठीक है, नहीं नोट कर पा रहे वीडियो पॉज कर लीजिए, नोट डाउन नोट कर लीजिए फिर से। ठीक है,
कि स्थर्ट क्या है, हमने क्या बताया जो लेंथ क्या फाइनाइट हो गई, लेंथ फाइनाइट हो गई, चलो अच्छी बात है भाई। फाइनाइट में क्या हो गया, लेंथ मान लो इसकी एल हो गई, ठीक है ना। चार्ज क्या हो गया, क्यू हो गया, भाई निकाल सकते हो लेमडा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ देखिए लेंथ फाइनाइट, यहाँ क्या हो गया पॉइंट हमारा क्या बीच में गया, मिड पे है, कितना हो गया एल बाई टू, यहाँ कितना हो गया एल बाई टू, वेरी गुड, समझ में आ गया। दूरी क्या हो गई एक्स, समझ में आ गया। एंगल कितना दोनों इक्वल हो जाएगा ना, एंगल इक्वल हो गया, डालू फॉर्मूले काम खत्म, लगाई फॉर्मूले में, फॉर्मूला क्या हो गया हमारा, फॉर्मूला हमारा है इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है लेमडा अपान क्या हो गया, यहाँ की भी था ना एसएल वी वन अपान फोर पाई एक्सएल नॉट लेमडा अपान एक्स, क्या फॉर्मूला था साइन थीटा वन प्लस क्या साइन थीटा टू, लेमडा कैसे निकलेगा टी वाई निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ कितना होगा वन अपान फोर पाई एक्सएल नॉट लेमडा बाई एक्स, कितना हो गया साइन थीटा प्लस क्या हो गया साइन थीटा, या कितना फॉर्मूला आया टू साइन थीटा होगा ना, टू टू साइन कट जाएगा, इक्वल टू आ गया कितना टू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन एक्स इंटू हो गया लेमडा बाई एक्स इंटू हो गया साइन थीटा हो गया, या कितना हो जाएगा मेन फॉर्मूला हो गया वन अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट लेमडा साइन थीटा बाई क्या था एक्स होता है, ठीक है। कहीं कहीं क्या लिखा होता है यही से वन अपॉन फोर पाई, इसी क्या लिखते हैं इसी लिख सकते हो वन अपॉन के हो गया ना, के हो गया के, के का स्थान क्या आया, के का स्थान आया वन अपॉन दिस वन लेमडा एक्स। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, कई बार पूछ लिया गया चार आसन दे दिए एकदम सही है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिख दू फाइनाइट लेंथ के मिड पॉइंट हो गया ना, समझ में आ गया, ठीक है। केस के कौन सा हो गया, ये हमारा केस थर्ड है फोर्थ है, थर्ड है फाइनाइट लेंथ हो गया, नहीं चौथा केस हो गया ना, ये जनरल फार्मूला हो गया, चलो हाँ थर्ड केस हो, कोई बात नहीं हो गया, समझ में आ गया। अगला केस क्या बनेगा, अब तो केस जनरल जनरल करने के ना, हमने क्या निकालना है आइडेंटिटी पॉइंट, हमारा जनरल फार्मूला होगा आइडेंटिटी पॉइंट आ गया, ठीक। अगला केस क्या बनेगा, हम निकाल रहे हैं लेंथ फाइनाइट हो गई, नेक्स्ट केस चलो केस फोर्थ, केस क्या है केस हम फोर्थ मान लेते हैं, फोर्थ क्या होगा देखो जरा, फोर्थ क्या है लेंथ क्या है फाइनाइट है, लेंथ क्या है फाइनाइट है एट एनी एंड, फाइनाइट है भाई, अब क्या निकालना है इसकी एक एंड निकालना है, ठीक है। क्या हो जाएगा अगर इसके निकालना है एंड पर, फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेटा, देखो लेंथ कितनी इसकी एल हो गई, चार्ज क्यू हो गया, अब देखो यहां से जब मिलाएंगे तो थीटा तो कितना हो गया, ये आपका थीटा टू हो गया ना, तो कितना मतलब थीटा हो गया, और यहां पर थीटा कितना हो गया, थीटा कितना हो गया जीरो। अब थीटा को निकालना होगा कितना वैल्यू होगी ना, क्वेश्चन दिया रहेगा ऐसे आर दिया रहेगा एक्स दिया रहेगा उसे निकाल लेंगे ना, या एल दिया है यू कैन फाइंड थीटा, ठीक है। कितना हो गया यहाँ पे देखो इसमें फॉर्मूला, मेन फॉर्मूला हमारा ही है, यहाँ क्या हो जाएगा वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा बाई एक्स साइन जीरो डिग्री प्लस क्या हो गया साइन थीटा हो जाएगा, अब फॉर्मूला कितना हो गया वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना हो गया लेमडा साइन थीटा बाई कितना हो गया भाई कितना हो गया एक्स। तो ये डिफरेंट केस बन गया, अगर मान लीजिए क्या है आपका लाइन चार्ज वायर है जो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, देन यू कैन फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन डिफरेंट कंडीशंस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं इस पे, अब आते हैं सर्कुलर पे, अब कहाँ आते हैं नेक्स्ट आते हैं सर्कुलर पे, ठीक है। मिटाएं इसको, नोट कर लिया होगा, नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फोर्स, यानी तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू क्या हो गया ड्यू टू आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू सर्कुलर, ड्यू टू हो गया सर्कुलर चार्ज रिंग, ड्यू टू सर्कुलर चार्ज रिंग। देखो यहाँ पे जो कि वीडियो आधे घंटे का बन गया, काफी लंबा जा रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या पढ़ते पढ़ते परेशान हो जाए, ठीक है, इसलिए हम पढ़ाते हैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में।